ऑलराइट, आज के इस THM के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा 6 ऐसी डिफरेंट साइट्स जिसके ऊपर आप फ्री में अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और आर्टिकल में मैं कवर करूंगा कि इस वेबसाइट को होस्ट करने के बाद यहां पर अपना रेज्यूमे बनाकर, अपनी डॉक्यूमेंटेशन करके, आपके करियर के बारे में वहां वेबसाइट के ऊपर लिखना है, उसको फिर रेज्यूम में कैसे डालना है उसका एक आर्टिकल कवर करूंगा, और कुछ फ्री कोर्सेज और ऐसी बहुत सारी चीजें अपना रेज्यूम बनाने के लिए, साइबर सिक्योरिटी करियर में एडवांस होने के लिए बताने वाला हूं आज के इस THM में। तो स्टार्ट करता हूं ये वीडियो बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज साइबर जेल, ये है THM। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, तो सबसे पहला ट्वीट यहां पर क्या है, मेडजा ने, मेडजा यहां पर इस ट्वीट के अंदर 6 फ्री वेब होस्टिंग साइट्स के बारे में बताते हैं, वर्कल, नेटलिफाई, हीरोकू, रेंडर, रेलवे एंड गिटहब पेजेस। ये 6 डिफरेंट साइट्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को खड़ा कर सकते हैं, उस वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं, उस वेबसाइट के ऊपर आप अपना रेज्यूम, अपने डॉक्यूमेंट्री से मेरा मतलब है आप जो करियर में सीख रहे हैं उस चीजों को वहां पर लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, अब एक वेबसाइट आपकी तैयार होगी, आपका एक रेज्यूमे तैयार होगा, आपका एक एक्सपीरियंस तैयार होगा। कई बार आप लोग देखते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है साइबर सिक्योरिटी का, लेकिन आप इस वेबसाइट पर एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं। रेज्यूम कैसे दिखाना है वो आर्टिकल सेक्शन में मैं बात करूंगा, एक आर्टिकल है, एक फोटो है जो मैं बताने वाला हूं, उसके अंदर से आपको ये पता चलेगा। तो ये था ट्वीट नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं ट्वीट नंबर 2 पे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितने ज्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे उतने अच्छे अच्छे वीडियोज आएंगे। तो सब्सक्राइब और लाइक कर दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं, और कमेंट कर देना, और ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकते हो आप, है ना, तो इतना कर देना। चलिए बढ़ते हैं ट्वीट नंबर 2 पे। सो ट्वीट नंबर 2 यहां पर किया है लूजर ने, मनीष न्यूपेन इनका यूजर, ट्विटर यूजर ने, यहां पर ये चेकलिस्ट शेयर कर रहे हैं आफ्टर रिकॉन की। और एक मजे की बात बताता हूं, ये चेकलिस्ट मैंने आज से 1 साल पहले खुद बनाई थी, मेरी खुद की चेकलिस्ट है, ऑल क्रेडिट गोज टू मीज। तो ये चेकलिस्ट मैंने मेरी एक वीडियो में कवर करी थी, इन्होंने यहाँ पर ट्वीट में डाला था, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन्होंने डाला, क्योंकि ये लोगों तक पहुँच रही है, दैट्स फैंटास्टिक। तो ये एक चेकलिस्ट है जो कि है आफ्टर रिकॉन चेकलिस्ट। ठीक है, अगर मुझे इसकी पुरानी लिंक मिल जाएगी तो मैं नीचे डालूंगा, अगर किसी के पास है तो डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में डाल देना, मैं उसको पिन कर दूंगा, तो मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, ये मेरी खुद की चेकलिस्ट है, अगर आप प्रूफ करना चाहते हो इसको तो ये इमेज के अंदर ये लिंक है, इसको जब आप विजिट करोगे, ये सारे जो लिंक्स यहाँ पर दिए वो विजिट करना, वो मेरे ही वीडियोस की जो है वो लिंक है। तो मैंने ये डाली थी, इन्होंने यहाँ पर फिर से जो है इसको रिट्वीट कर दिया, कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप उसको देख सकते हैं, लिंक जो है ट्विटर की वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे ट्वीट नंबर 3 के ऊपर। सो ट्वीट नंबर 3 यहां पर किया इनवर्स COS ने, यहां पर ये जो ट्वीट है ये उनके लिए जो फॉरेंसिक में है, यहां पर ये दिखा रहे हैं कि भाई फॉरेंसिक की मेथडोलॉजी क्या होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने की फॉरेंसिक की मेथडोलॉजी यहाँ पर इस पूरे थ्रेड के अंदर कवर करी हुआ है, फैंटास्टिक थिंग फॉर डिजिटल फॉरेंसिक पीपल। जो भी लोग डिजिटल फॉरेंसिक के THM को फॉलो करते हैं उनके लिए ये चीज़ आज मैंने कवर करी, तो शायद ये आपको हेल्प कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं हमारे आर्टिकल सेक्शन की, जिसके अंदर सबसे पहला आर्टिकल जो है वो मैं कवर करता हूं। अच्छा, कमेंट नहीं किया तो कमेंट जाकर कर दो, जब तक आर्टिकल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 1 यहां पर आर्टिकल नहीं, एक फोटो है, राहुल सैसी का लिंक्डइन फोटो है। यहां पर इन्होंने एक अच्छा सा फोटो शेयर किया, अगर आप देखोगे नीचे, सर मैडम, आई एम अ सेकंड ईयर ग्रेजुएट परस्यूइंग बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एट VIT यूनिवर्सिटी वेलोर, आई वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग डेटा स्क्रैपिंग एंड क्लीनिंग टू डेटा इंजन, आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ योर कंपनी टू लर्न एंड कंट्रीब्यूट टू द कंपनी इंप्रूव सिक्योरिटी यूजिंग डेटा एंड पॉसिबल यूजेज ऑफ AI। और इन्होंने नीचे देखो क्या शेयर किया ईमेल के अंदर, राइट अबाउट माई वर्किंग्स एंड लर्निंग्स हियर। तो ये एक मीडियम आर्टिकल अपने जो भी लिखते होंगे तो आप अपनी वेबसाइट जो कि मैंने पहले वाले आपको दिखाई ट्वीट के अंदर, वहां पर अपना रेज्यूम, अपना जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी बग्स फाइंड कर रहे हो, जो भी सीख रहे हो, उसको डॉक्यूमेंट करो एक प्रॉपर वे में और उसको एक मेल के अंदर सेंड करो किसी कंपनी को, उसको कहा जाता है कोल्ड ईमेलिंग। तो कोल्ड ईमेल करके आप लोग किसी भी जॉब को हासिल कर सकते हैं, कोई भी इंटर्नशिप ले सकते हैं, ये टेक्निक होती है जॉब लेने की जिसको कहा जाता है कोल्ड ईमेलिंग। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कोल्ड ईमेलिंग कैसे करना है, अलग अलग तरीके कोल्ड ईमेलिंग के होंगे, कैसे फॉर्मेट बनाना है कोल्ड ईमेलिंग का, इसको कहा जाता है कोल्ड ईमेलिंग, मतलब लोगों को बटर मारना शांति से, ठीक है, उनको समझाना, कामली समझाना, उसको कहा जाता है कोल्ड ईमेलिंग। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, आप अपने साइबर सिक्योरिटी करियर में इसको यूज कर सकते हैं, इट कैन वर्क, सो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 2 पे। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 2 में मैं यहाँ पर कुछ कवर कर रहा हूँ FedVTE फेडरल वर्चुअल ट्रेनिंग एनवायरनमेंट के पब्लिक कोर्सेज जो कि फ्री में है, जो प्रोवाइड हो रहे हैं CISA द्वारा। CISA US की एक फर्म है, राइट, तो सिक्योरिटी एजेंसी है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं उनका सिंबल है CISA। पब्लिक कोर्स है, कोई लॉगिन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, दीज आर डिफरेंट कोर्सेज फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिफरेंट अटैक्स जो कि आपको बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी, रिवर्स इंजीनियरिंग फॉर पब्लिक
क्लाउड सिक्योरिटी का है, सप्लाई चेन का है, जो कि मैंने एक ट्वीट में कवर किया था कि ये फ्यूचर है साइबर सिक्योरिटी का, इंटरनेट एक्सेसिबल सिस्टम को कैसे सिक्योर करना है, DNS अटैक, सारे 1 आवर 2.5 आवर 3 आवर के कोर्सेज हैं जो कि फ्री है, कोई लॉगिन वगैरह कुछ नहीं करना, कोई डेटा आपका देना नहीं है, बस यहाँ से एक डेटा आपको लेना है, इसके जैसे कोई और चीज़ हो नहीं सकती। तो मैंने सोचा आप सभी लोगों तक ये चीज़ पहुँचा दे जो कि स्पिनडेक काम करती है यहाँ पर आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं हमारा आर्टिकल नंबर लास्ट 3rd नंबर पे, जो कि किया है नेह पटेल ने। मैं दिखा देता हूँ, ये आर्टिकल है नेह पटेल द्वारा किया गया है। $6,000 की बाउंटी माइक्रोसॉफ्ट के हॉल ऑफ फेम, माइक्रोसॉफ्ट फायरवॉल बाईपास, यहाँ पर CRLF से XSS तक कैसे गए। आर्टिकल के अंदर इन्होंने समझाया हुआ है CRLF इंजेक्शन के बारे में, मैंने वीडियो बनाई थी, आई बटन में लिंक कर दूंगा अगर आप जाकर देखना चाहते हैं, ये आर्टिकल को पढ़िएगा। इस आर्टिकल के अंदर ये जिस तरीके से चीज़ें बताई है, ठीक है, ये उन्होंने खुद फाइंड किया है, दिस इज अबाउट $6,000। भाई क्या बेहतरीन चीज़ है ये यार, मजा आ जाएगा अगर ऐसा कुछ मिले तो। यहाँ से इंस्पिरेशन ले लो, शायद आपको ऐसे एक प्रस्पेक्टिव मिल सकता है कि कैसे आप भी इतने बड़े बड़े बाउंटीज को अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ से प्रस्पेक्टिव लो, मेरी वीडियोस से प्रस्पेक्टिव लो, यूट्यूब पे से प्रस्पेक्टिव लो, सब प्रस्पेक्टिव मिलाकर अपना प्रस्पेक्टिव बनाओ और आगे बढ़ो, यही होता है साइबर सिक्योरिटी करियर। यहीं पर खत्म होता है आज का हमारा THM एपिसोड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नीचे प्यारा सा छोटा सा कमेंट करना मत भूलना। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे बताओ आप लास्ट तक वीडियो देखते हो। तो यहीं पर खत्म होती है हमारे THM। मिलता हूँ मैं आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सिक्योर गाइस, कीप स्माइलिंग, पीस।